जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से ये जोड़ा आपने पहले भी देखा है, काला जावा और साथ में ब्लैक मुर्गी, इनको मैं फार्म से यहाँ घर ले आया हूँ। खजूर हमारी लग गई है जी, और घर ले आया हूँ इनको। दोबारा यहाँ अंडों पे आ गई है, इसने 4 अंडे दे दिए हैं। वैसे तो 6 दिए थे, 2 डैमेज हो गए, ऊंची जगह पे बैठी थी वो नीचे गिर गए। 4 अंडे अभी तक सेव किए हैं इसके, और इसके साथ एक छोटी मुर्गी लगाई है ये ब्लैक। पहले भी इसके चिक्स मैं ले चुका हूँ, दोबारा लगाई है। बहुत अच्छी मुर्गी है, बहुत एग्रेसिव है, बच्चे बहुत अच्छे पालती है, और नस्ल की बहुत अच्छी है, चैम्पियन मुर्गी है। इसको 3 मुर्गियों के साथ चेक करने के बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ लाया हूँ। इसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। छोटे और बड़े मुर्गे का मुर्गा जब इनका क्रॉस होता है तो वो और भी अच्छा रिज़ल्ट आता है उनका। तो ये मुर्गी तो आपने पहले भी देखी है, इसके फर्स्ट टाइम जो हमने ब्रीड ली है उसमें से सिर्फ 3 चिक्स बचे हैं, 2 डैमेज हो गए हैं, 3 निकल नहीं सके थे। अब इसके फिर 4 अंडे मैंने जमा कर लिए हैं, आप इसका देखें। माशाल्लाह से इसकी आप नोक देखें, आँख देखें, किली ताज में है मुर्गा भी, मुर्गी भी प्योर मुश्की, और ख़ूबसूरत ही इसके आप डंडे देखें, बहुत मज़बूत डंडे हैं इसके, परमोज़ हैं और डंडे इसके, और ब्लैकिश येलो से, ब्लैकिश से, ग्रीनिश से मिलते जुलते हैं। ये मुर्गा इस पे बैठता है, ऊपर से इसका कमर खाली हो गई है। आप इसकी अगर लंबाई देखें वेल माशाल्लाह से, अब आप चेक करें इसकी, देखें किसी मुर्गे से कम नहीं है। इसका मैंने वेट किया था, ये 4.5 किलो से करीब करीब, उससे ज़्यादा थी, कम नहीं थी, और मुर्गा 5.5 किलो का था। मुर्गे को मैंने दाना कम कर दिया है, क्योंकि वेट बढ़ने से ये मुर्गियों पे भी नहीं बैठ सकता, और इसके अपने एक पाँव में थोड़ा सा कुछ फॉल्ट सा आ गया था। बहुत मोटे डंडे हैं माशाल्लाह से, इसके कील भी बहुत आला किस्म के काले कील हैं इसके। इसकी नोक देखें आप, लोग पैरट बीक कहते हैं, आप इसकी देखें, पैरट बीक आपको नज़र आएगी, सफ़ेद आँख नज़र आएगी, किली ताज, खूबसूरत चेहरा, रोब वाला। अब आप देखें माशाल्लाह से, आपको मैं इसके डंडे दिखाऊं माशाल्लाह से, अगर ये इसने 2 मुर्गियां लड़ पड़ी थी, यही 2 मुर्गियां लड़ पड़ी थी, इसने उनको दोनों को एक ही पाँव में दोनों को भगा दिया, और ये फिर से नहीं लड़ी, तबीयत इनकी साफ़ हो गई। मुर्गी का देखें चौड़ा सीना माशाल्लाह से, खूबसूरत परमोज, इसके डंडे सब्स काले, और आँख और देखें, नोक देखें, किली ताज। ये मुर्गी अंडों पे आ चुकी है, और वो देखें वो जगह ढूंढ रही है, आवाज़ सुने उसकी, वो अंडों पे आ गई है और मुर्गा उसकी तरफ जा रहा है। तो बहुत जल्द वो भी इंशाल्लाह अंडों पे आ जाएगी। आपको मैं एक्चुअली क्लोज करके इसकी नोक दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ छुप गई है। इसको मैं भगाता हूँ, ये मुर्गे की तरफ चली गई है, वो देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी नोक नली, आप देखें ये, इसकी आप दूर से ही देखनी पड़ेगी, सफ़ेद आँख, छोटी सी किली ताज में, और ब्लैक खूबसूरत सी छोटी सी ही नोक है, खूबसूरत काले डंडे हैं उसके, चौड़ी मुर्गी है, जिसामत में छोटी है लेकिन बहुत मज़बूत है। इसको मैंने पहले बताया, 3 मुर्गियाँ चेक की गई, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब
ये छोटे बड़े का देखें क्रॉस आएगा। पहले भी मैं इसके चिक्स दे चुका हूँ, बहुत खूबसूरत चिक्स आए हैं, ब्लू आइज़ में आए हैं, वीडियो मैंने अपलोड की है, आप देखिएगा। तो इंशाल्लाह अब दोबारा भी इसके जब चिक्स आएंगे आपको दिखाऊंगा। तो आप काइंडली कमेंट कीजिएगा, शौक मेरा आपसे शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। आपको याद होगा मैंने बहुत ही छोटे से, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, उनको याद होगा मैंने एक पुराने रूम कूलर में एक मुर्गी से ब्रीड शुरू की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेटअप 2 साल में काफ़ी बड़ा हो गया, तो अच्छा सेटअप है, आप भी ट्राई करें, उम्मीद है आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।